संसदेच्या दोन्ही सदनात आज सकाळी कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षानं संसदेच्या सुरक्षाभंग मुद्द्यावरून घोषणाबाजी सुरू केली, त्यामुळे दोन्ही सदनांचं कामकाज वारंवार खंडित झालं. लोकसभेचं कामकाज आधी दुपारी 2 वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर 3:15 तहकूब करण्यात आलं, तर राज्यसभेतही गदारोळामुळे कामकाज स्थगित करण्यात आलं. याच गदारोळात राज्यसभेत आज जम्मू आणि काश्मीर पुनर्स्थापना दुसरी दुरुस्ती विधेयक तसंच केंद्रशासित प्रदेश तसंच सरकार दुरुस्ती विधेयक 2023 संमत करण्यात आलं. मात्र संसदेच्या कामकाजात आज अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित असल्याचं सांगत या गदारोळावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नाराजी व्यक्त केली. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं. ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है. ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है. मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता. मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी, विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी.